ये देखिए मेरी गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी एकदम मैंने सर्व कर दी है। आप इसका प्रोसेस पूरा वीडियो में देखें। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा रश्मि खजाना में मटर की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए पहले हमें भरावन बनाना है, उसकी सामग्री दिखा रही हूँ। और आटे में तो सिंपल थोड़ा सा रिफाइन और हल्का सा नमक डाल के और हल्का सा नमक और रिफाइन डाल के उसको सान लेना है। तो डो कैसे बनाना वो बाद में दिखाऊंगी, ये भरावन है। तो ये अदरक कद्दूकस कर लिया, हींग है, हरी धनिया है और ये मटर है, हरी मटर है। एक बाउल पूरा है मैंने लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा बनाना है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है, क्योंकि इसको पीसने के बाद ये थोड़ा हो जाता है, लेकिन आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से लीजिए। मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया, अजवाइन है, हींग है, जीरा है और हरा धनिया है। और कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और थोड़ी सी 8-10 कली लहसुन जब पीसेंगे इसको तब डालेंगे, तो वो मैं आपको बाद में। ये देखिए मैंने पैन चढ़ाया, बस एक छोटा स्पून टीस्पून से तेल डाला। तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस केवल तड़क जाए ये। और ये अजवाइन और जीरा दोनों इसलिए डालते हैं कि दोनों ही हजम करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसको हजम करना हो तो इसको हींग डालें और उसके साथ ही मटर डालें और इसमें थोड़ा पानी डाल दें और साथ ही इसमें तोड़ के हरी मिर्च, क्योंकि इसको हमें पीसना है तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं हरी मिर्च को, लेकिन तोड़ दिया इसलिए क्योंकि चटके ना। और उसके बाद इसमें हींग डाल दीजिए और नमक स्वाद के अनुसार डालिए। नमक जो है इसमें स्वाद के अनुसार, क्योंकि भरावन है तो ऊपर तो हल्का ही नमक पड़ेगा, तो इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और इसको ढक दीजिए पकने के लिए। जब ये गल जाएगा तो इसको पीसेंगे। पीसते वक्त इसमें लहसुन डालेंगे, तभी फ्रेशनेस आती है, लहसुन का फ्लेवर तेज आता है तो उसका भरावन बहुत ही अच्छा बनता है। तो पीसते समय मैं लहसुन भी डालूंगी, हरा धनिया भी डालूंगी। हरा धनिया है, थोड़ी सी मैंने हरी धनिया ली है और ये 7-8 के लिए लहसुन है, इसको छोटा काट लिए क्योंकि इसको मैंने इसमें ग्राइंडर में पीसना है। तो अभी इसको मैं ग्राइंडर में डाल के हल्का सा चला दूंगी, दरदरा हो जाए, तब जब मटर पक जाएगी तो मटर भी डाल के और इसी में पीस ले। मेरी मटर बिल्कुल पक गई है, तो इसका मैं, हर कोई अपने तरीके से मटर की कचौड़ी बनाता है, कोई बॉयल करके बनाता है, कोई मैं इस तरह से बनाती हूँ। बस छोटे स्पून में जीरा, अजवाइन, हींग, हरी मिर्च डालिए और इसको छौंक दीजिए और उसके पक जाने में ठंडा करिए और उसको ग्राइंडर में पीसिए। पीसते समय हरा धनिया, लहसुन इसी में मिला दीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए। अब उस पेस्ट को ठंडा करके और आटे का डो बढ़िया सा हल्का सा मोयन डाल के बनाइए और उसकी कचौड़ियाँ बना के गर्मा गर्म तलिए और कॉम्बिनेशन में मीठी चटनी और आलू टमाटर की रसीली सब्जी सर। मटर को मैंने ठंडा करके ग्राइंडर में डाला है और उसमें लहसुन भी डाल दिया काट के। अब ये हरी धनिया इसी में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे दरदरा सा। वो अपने आप ही बहुत बारीक हो जाता है, लेकिन वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इसको भरावन में यूज़ करना है बस। ये देखिए मैंने ये पेस्ट पीस लिया है, तो थोड़ा बहुत जो इसका मॉइस्चर है उसको सुखा देंगे उसी पैन में जिसमें मैंने ये मटर पकाया था। और इसमें साथ ही इसमें भुना जीरा का पाउडर और पिसा धनिया का पाउडर, ये पिसा धनिया 1 चम्मच डाल देंगे और इसी के साथ अदरक जो मैंने कद्दूकस करके रखा था बस। अब कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, ना कोई मसाले ना कुछ, अब ये रेडी है भरावन। बहुत ही बढ़िया लहसुन, हरी धनिया, अजवाइन, जीरा और अदरक के साथ बिल्कुल, और हींग तो ज़रूर डलता ही है। अब इसको मैं थोड़ा सा ड्राई कर लेंगी क्योंकि इसमें पानी थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है तो कचौड़ी भरने में दिक्कत होगी, तो वो निकल जाएगा कचौड़ी से, इसलिए मैंने इसको कर दिया। अब ये रेडी है, इसको ठंडा करके बस कचौड़ी। देखिए मैंने ये आटा जो डो बना लिया है, पिठरी मैंने भरावन पहले तैयार कर लिया, उसके बाद
हमने ये बनाया है, इसमें हल्का नमक, ज़रा सा रिफाइन और अजवाइन डाल के बनाया है। अब इसकी लोइयाँ तोड़ के और छोटी छोटी कचौड़ियाँ बेल के इस तरह से छोटी लोई बनाएंगे और इसके अंदर ये भरावन भर के और बेल के और डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने तेल भी चढ़ा दिया है। ये देखिए, ये मैंने ये दिया है, ये जो ये एक लोई ली है, इसको ऐसे 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 करके और इसको चारों तरफ से बंद करके इस तरह कचौड़ी बन जाएगी और उसको फिर डीप फ्राई करेंगे। तो मैं चूँकि एक हाथ से शूटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं उसको मतलब इस तरह से आप जानती ही होंगी कचौड़ी कैसे बनाते हैं, इसी तरह से बनेगी। देखिए, अब चारों तरफ से मैंने इसको कर दिया। अब इसको ऐसे दबा देंगे, हल्का सा हाथ से अच्छी तरह से दबा के हल्के हाथ से बस बेल के इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने कचौड़ी बेल के और इसमें डाल दी है और इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ा मीडियम फ्लेम रखेंगे, जिससे अंदर तक अच्छी तरह पक जाए, नहीं तो अंदर से कचौड़ी कच्ची रह जाएगी। और इसी तरह से बना के और गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्ज़ी, मीठी चटनी टमाटर की, और उसके साथ सर्व किया जाता है। आपका मन हो आप हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब। और इस मेथड से बना के देखिए, मेरे मेथड से बहुत ही अच्छी मटर की कचौड़ी। ये देखिए, मैंने मटर को ऐसे भर के बनाया, आपको तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया गर्मा गर्म कचौड़ी बन के तैयार हुई। आप भी इसी तरह से बनाएं और खिलाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ और मेरे से रेसिपी चाहिए तो मैं आपके लिए बनाऊँगी और ज़रूर शेयर करूँगी।